डेली करंट अफेयर में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 23 दिसंबर की करंट अफेयर। 23 दिसंबर की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको डेली करंट अफेयर करवाए जाते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन थे राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। डेली करंट अफेयर में लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करता हूं आज की करंट अफेयर, 23 दिसंबर की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। और उप विजेता की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग 2022 की उप विजेता टीम रही है पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर कौन बने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी रेहान अहमद ने 5 विकेट लेकर डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए। कौन है? रेहान अहमद, जो कि किस टीम के खिलाड़ी है? इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष को नियुक्त हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष बनी है क्लाउडिन गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्केप टनल आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड है वो अनिवार्य कर दिया है। अब बात करता हूँ आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 18 दिसंबर या 17 दिसंबर, राइट आंसर क्या नीचे कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।